वैसे तो हिमाचल प्रदेश अपने आप में बेहद ही खूबसूरत स्टेट है, पर जब बात आती है यूथ के लिए हैपनिंग्स और डेस्टिनेशन की, तो हिमाचल प्रदेश में लोग आपको रेकमेंड करेंगे धर्मशाला मैक्लोडगंज। अब इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप 3,000 रुपये में 3 दिन, यस 3,000 रुपये में 3 दिन आप कैसे मैक्लोडगंज धर्मशाला एक्सप्लोर कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हिमानी और मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। और ये बजट ट्रैवलिंग सीरीज़ जो है वो आपको मेरे चैनल पे काफ़ी पहले से देखने को मिल रही है, बट अब जो है ये कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि अब धीरे धीरे ट्रैवल जो है वो नॉर्मल हो रहा है, बैक टू नॉर्मल हो रहा है। और मैंने सोचा कि ये जो जितने भी मैंने बजट ट्रिप किए हैं अपने पिछले दिनों में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो यस, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि धर्मशाला मैक्लोडगंज, जो कि एक ही है वैसे देखा जाए तो यार, तो आप समझ जाओ, मतलब ये आपको मैप में मैं दिखा देती हूँ कि मतलब धर्मशाला मैक्लोडगंज एंड धर्मकोट, ये जो जगह है ये अपने आप में मिली जुली हुई है, हाँ एक तरीके से आप कह सकते हो। सो यस, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप 3 दिन सिर्फ 3,000 रुपये में कैसे इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं और बजट में आराम से स्टे भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। बट स्टार्ट करने से पहले एक मिनट, आपका समय लेना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पॉज करो। एक सेकंड, बस मैं रुक जाती हूँ, आप कर दो ना यार सब्सक्राइब, मतलब वो रेड जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दो, बिल्कुल पैसे वैसे नहीं लगते हैं, एकदम फ्री है, सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे अगर आप बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दोगे। सो मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो आपके आने वाले हैं मेरे चैनल पर जो कि आपको हेल्प करेंगे बजट ट्रैवल करने के लिए, सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। और अब जो है, अगर आपने ये सब सारा काम कर दिया है तो चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस 3,000 रुपये में ऑब्वियसली मैं ट्रांसपोर्टेशन को एक्सक्लूड कर रही हूं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहां से आ रहे हो, इंडिया के कौन से पार्ट से आ रहे हो ये मुझे नहीं पता है। सो आप जहां से भी आ रहे हो आप धर्मशाला पहुंच जाओ, और चाहे आप दिल्ली से बस से जाओगे आपको धर्मशाला में ही उतारा जाएगा, चाहे आप फ्लाइट से जाओगे आपको धर्मशाला में ही एयरपोर्ट है वहीं पर आपकी फ्लाइट लैंड करेगी, और चाहे आप अपनी प्राइवेट व्हीकल करके जा रहे हो, ऑब्वियसली आप बजट ट्रैवल कर रहे हो तो प्राइवेट तो व्हीकल करोगे नहीं। सो बस से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो दिल्ली से जो है काफी वॉल्वो चलती है और आप उससे ट्रैवल करके 1,000-1,100 रुपए लेती है मिनिमम, यस वॉल्वो बसेस, तो उससे आप कंफर्टेबली जर्नी करके, ओवरनाइट जर्नी करके आप सुबह सुबह धर्मशाला पहुंच सकते हो। अब जब आप धर्मशाला पहुंच जाओगे उसके बाद से लेकर 3 दिन का एक्सप्लोरेशन आप 3,000 रुपए में कैसे कर सकते हो, ये इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट ब्रेकडाउन करके बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को पूरे आखिरी तक देखिएगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अकोमोडेशन की। नाउ अकोमोडेशन के लिए आपको धर्मशाला में जगहें जो है स्टे करने के लिए मोस्टली होटल्स मिलेंगे, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगी कि हैपनिंग जो है वो ज़्यादा मैक्लोडगंज है, और मैक्लोडगंज में काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं। अब मैंने जिस हॉस्टल में स्टे किया था वो था द हॉस्टलर। अब ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, आप हॉस्टलर है, जॉस्टल है, और भी बैकपैकर्स हॉस्टल बहुत सारे हैं मैक्लोडगंज में जो कि आप सर्च कर सकते हो। आपको 500 रुपीज पर नाइट के हिसाब से किसी भी हॉस्टल में जो है स्टे मिल जाएगा। सो आपका 500 के हिसाब से 2 रात का हो गया 1,000 रुपए। अब 2 रात इसलिए क्योंकि 2 nights 3 days आप स्पेंड करने वाले हो वहां पर, तो मैं उस हिसाब से ही आपको बता रही हूँ, ये पूरा वीडियो वैसे ही होने वाला है। सो यस, आपके 2 रातों का हो गया 1,000 रुपए, और काफी कंफर्टेबल होता है, और हॉस्टल में रुकना क्यों सेफ भी है ये भी मैंने अपने कई वीडियो में बताया है। सो मैं यहाँ पर लिंक कार्ड पे डाल दूंगी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स डाल दूंगी उन वीडियोज की, सो दैट कि अगर आपको
कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट इज इट सेफ टू स्टे इन हॉस्टल और एंड ऑल दैट, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं. यस, तो ये तो हो गया आपकी अकोमोडेशन की बात. अब बात आती है आपके खाने पीने की. तो सी, खाने पीने में मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जब आप मैकलॉडगंज में है, धर्मशाला में है, तो ऑब्वियसली आप स्ट्रीट फूड खाइए, वहाँ का लोकल खाना खाइए. वो बहुत ही चीप होता है. मतलब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताऊँ तो आप जब मैकलॉडगंज में निकलोगे घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ का मार्केट बहुत छोटा सा है और मोनेस्ट्री से स्टार्ट होता है और जस्ट आपका मार्केट आप पैदल पैदल मस्त घूम सकते हो. चलते चलते बहुत सारे ऐसे होम स्टे और ऐसी जगहें मिल जाएंगी, घर में ही कैफे बनाकर रखा हुआ है उन्होंने, और काफी होमली कुक्ड फूड देते हैं आपको, जिसमें 40 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज के बीच में आपको 100 रुपीज तक आपको आराम से पेट भर खाना मिल सकता है. पराठे, ऑमलेट या फिर राजमा चावल, वॉट एवर यू वॉन्ट, इस तरीके की चीजें आपको होम कुक्ड और काफी फ्रेशली वो कुक करके आपको देते हैं. सो इससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता है. एंड मैकलॉडगंज में आपको खाना आराम से काफी स्वादिष्ट और काफी अच्छा. सो ये हो गए आपके खाने पीने की बात. और अगर आप 3 दिन रुक रहे हो तो आप 3 दिन में 3-3 टाइम का खाना ले लो, तो आपके 100, 100, 100, 300, 300, 300 रुपए आप पकड़ो, तो 1000 रुपए आपके जो हो गए वो हो गए आपके फूड में. अब आपके पास बचते हैं 1000 रुपए. अब बात करते हैं मैकलॉडगंज धर्मशाला एक्सप्लोर करने की. सो बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, बट मैकलॉडगंज में भक्सुनाग वाटरफॉल है जो कि काफ़ी फेमस है आप ये, और 2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं, मैं यहाँ पर डाल दूंगी. सो वो जो ट्रैक है वो आप सुबह सुबह जाओ, जिस भी टाइम आपको जाना है, क्योंकि 6 बजे के बाद जो है वो बंद हो जाता है. तो आप मेक श्योर कि उस तरीके से प्लान करो, अगर आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद निकलना चाहते हो, सो यू कैन गो एंड स्पेंड सम टाइम. आपका ऊपर पहुंचने के बाद वहां पर एक कैफे है, शिवा कैफे, जो कि बहुत कूल है, वहां पर वाइब काफी अच्छी है, तो वहां बैठ के आराम से लंच करो एंड देन फिर आप वापस आ जाओ इवनिंग तक. तो आपका वो पूरा जो दिन है वहां पर आराम से आप स्पेंड कर सकते हो. तो हमने प्लान किया कि हम धर्मशाला एक्सप्लोर कर लेते हैं. आप धर्मशाला एक्सप्लोर करने के लिए से अकेले हो तब तो आपके लिए ये है कि आप शेयरिंग वाली टैक्सी कर लो, आप बात कर लो कुछ टैक्सी वालों से, वो और भी लोगों को लेकर जा रहे होते तो शेयरिंग में आपको मिल जाएगा. अगर आपके पास ग्रुप है तो दैट्स वेल एंड गुड, और 500-600 रुपए के करीब आप जो है आराम से पूरा धर्मशाला वो आपको घुमा देंगे, जिसमें कि टी गार्डन है, क्रिकेट स्टेडियम है, मोनेस्ट्री है, एक मोनेस्ट्री जो कि नोबलिंगा इंस्टीट्यूट है वो काफी सुंदर है, वो भी हमें लेकर गए थे एंड वो बहुत ही सुंदर है. एंड इफ यू डोंट वांट टू गो देयर तो आप एक दिन लेजर रखो, जिसमें कि आप धर्मकोट जाकर एक्सप्लोर कर लो. धर्मकोट भी लोग वॉक करते हुए, थोड़ा ट्रैक करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि वो भी ऊपर है थोड़ा सा, बट आप ट्रैक करते हुए जाओगे आपको अच्छा लगेगा. वहां पर भी कुछ कैफेज है, कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे व्यू पॉइंट है जो कि आप जाकर आराम कर सकते हो, चिल कर सकते हो, अपनी फोटोग्राफी कर सकते हो और जो आपको करना है, व्हाट एवर यू वांट टू डू, आप थोड़ा शांति में आराम से बैठ सकते हो, सनसेट देख सकते हो. अब यस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज. होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और इस वीडियो में जो भी मैंने 3 पॉइंट्स बताए, इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो धर्मशाला मैकलॉडगंज, और बाकी तो आप पे डिपेंड करता है. सो इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रहता है तो मुझे जरूर बताना इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आपके सवालों का जवाब पूरी ईमानदारी से दूंगी. हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी कंधों पर जिम्मेदारी, मैं आपके सवालों के जवाब बिल्कुल ईमानदारी से दूंगी. और जरूर क्वेश्चन पूछना एंड मैं जरूर रिप्लाई करूंगी. और आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में. टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही खुशनुमा जिंदगी बिताते रहिए एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. एंड या विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टाटा, बाय बाय.